Hi friends, I am Manpreet Kaur. Today we have started our another video. बहुत सारे reasons थे, मेरी videos नहीं डल पाई कुछ time से, editing की problem आ रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत सारे reason थे. लेकिन अब paper बहुत पास आ चुके हैं, मैं units नहीं complete हो सकती, possible नहीं है मैं एक एक चीज़ को revise करवाऊँ, एक एक chapter को revise करवाऊँ, but it is a most possible video you can watch today. कि हम important question discuss करेंगे 1 week series में से मत्स्य university की, your that one. You can see in this video, ठीक है. इसमें से मैंने बहुत important questions बताए हैं आपको, question 1st, 2nd, 3rd, 7th, 8th, 15th, 25th and 28th. ये most important question है, आपको सारे questions भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप इनमें से, ये मैंने shortlist करे हैं, इन्हीं में से paper आएगा और मैं आपको paper का pattern भी बता दूँगी और जो दो theory subjects और है उनके भी मैं आपको important questions कल तक एक video upload हो जाएगी, ठीक है. योर दिस इज़ इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम. मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी लास्ट तक. ये 9 क्वेश्चन हैं. मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, एक एक टर्म को, जिससे आपको ईजी हो नोट डाउन करने में. वन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में पॉइंट्स बना बना के, जैसे आप 12th और 11th में लिखते थे हेडिंग एंड देन उसके एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखना ही लिखना है, क्योंकि उससे आपके थोड़े से अच्छे नंबर आ जाते हैं, 60 अराउंड 65 अराउंड. इससे ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं आते. अगर आपको बहुत अच्छा है तो 70-75 लास्ट, ठीक है. आपको वो भी करना है अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट्स एंड स्टैट्स, तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, यू जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, मैं जो समझाऊँगी उसको रीड करो, मतलब यूनिवर्सिटी में से रीड करो. बहुत सारी वीडियोस डल चुके हैं, मोस्ट 2-3 वीडियोस अपनी रह गई थी, चैप्टर्स वो नहीं डले, बाकी सब डल चुका था, ठीक है. फॉर दैट सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है. अब इसमें से ये क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझाऊँगी और इसको अच्छे से आपको मगअप तो करना नहीं है, हमें सिर्फ रिवाइज करना है और टर्म्स को याद रखना है. जब टर्म्स याद होंगी तो आप अंदर की चीज़ें बहुत ईजिली राइट डाउन कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमारी सीरीज में से. अब मेरी बात सुन लो आप लोग, मैं सब कुछ राइट डाउन नहीं कर सकती. क्वेश्चंस 1 पेज, 1.5 या 1 पेज से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं उसको इतना राइट डाउन करूँगी तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा और वीडियोज़ अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. तो मैं आपको बुक में से अंडरलाइन करते जाना, अपनी सीरीज़ को साथ लेके बैठना, इन सीरीज़ में से ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल श्योर हूँ मैं, श्योरिटी से कह रही हूँ मैं आपको, ठीक है. लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, ये मैंने वीडियो डाली हुई है, मेरी सबसे पहली वीडियो है, टर्म बैंक डिस्क्राइब द मॉडर्न फंक्शंस ऑफ द बैंक. बहुत नॉर्मल सी बात है, बैंक है क्या, जो क्या करता है. पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ एक वो दे दूँ, शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन, क्या है बैंक एक्चुअल में, क्या करता है, डिपॉजिट लेता है, पैसे जमा करता है, क्या करता है, विड्रॉ भी करता है हमारे पैसे, क्या करता है, हमें लोन भी देता है, हमें क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है. तो ये मॉडर्न फंक्शंस है बैंक के. पहले वाले बैंक में ऐसा नहीं होता था, खाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती थी, लोन फैसिलिटी नहीं होती थी, खाली सिर्फ हमारे पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता था और विड्रॉ ऑफ मनी होता था. लेकिन इसमें लिखा है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मॉडर्न बैंकिंग. मैं जो क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स और दे रखे हैं. बैंक क्या होता है, स्टेट बैंक मॉडर्न सिनेरियो में क्या है, इसमें भी आपका सेम यही आएगा फंक्शंस. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ बैंक, हाउ बैंक हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इसमें भी यही आपका आंसर आएगा. डिफाइन द बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इसमें भी आपके पास यही वाला आंसर आएगा. आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है कि वो एक्चुअल में फंक्शंस पूछ रहा है, मॉडर्न बैंक का सिनेरियो पूछ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. हमारी इकोनॉमी विदाउट बैंक तो नहीं चल सकती, आज बैंक में रेपो रेट है, वो आगे क्वेश्चन आएंगे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको. रेपो रेट है, करंट रेट है, SLR है, CRR है, बहुत कुछ है, ठीक है. तो उससे हमारी क्या इकोनॉमी बढ़ रही है, आज SLR कम है, आज लोन ले लो चलो, कल SLR ज़्यादा है लोन मत लो, ठीक है. तो ये सब चीज़ें होती है, लोन का रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, सब कुछ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो ये सब चीज़ें हमारी इकनॉमी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता ही करता है, ठीक है. अब मैंने आपको समझाया क्या करता है.
ये प्राइमरी फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। हमारे सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने बिल खुद भरते हैं या उनके घर बिल नहीं आते? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या करते हैं, बैंक को दे देते हैं सारी। बैंक उनसे क्या करता है, सर्विस चार्जेस लेता है। क्या करता है, यही उसके मॉडर्न फंक्शंस है, जैसे कलेक्शन ऑफ बिल्स है ना, ये सब करता है। किसके किसके बिहाफ पे, अपने कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है, जो उसके परमानेंट कस्टमर है, जो उसको सर्विस की पेमेंट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको आराम से बता रही हूँ, ये फर्स्ट वीडियो आप उसको देख लो या इसको देख लो, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। वो थोड़ी सी बड़ी है, बट आप ये थोड़ी सी मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँगी जिससे आपका पेपर ईजी हो जाए। अब बैंक मीन्स अ ज्वाइंट स्टॉक फंड। अब बैंक डिनोट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस में डील करता है, मनी में। वो मेरे से आज 10 रुपये ले रहा है, मैंने आज लिया 10 रुपये का लोन। एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको एक चीज़, वो क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, पैसे से पैसा बना रहा है, मनी से मनी क्रिएट कर रहा है, मनी से मनी क्रिएट कर रहा है। कैसे, देखो आज मैंने 10 रुपये लिए, कितने रुपये, 10 रुपये मैंने बैंक से लिए, लोन है, मान लो मेरा लोन का अमाउंट है, लोन है मेरा, क्या है, लोन है नॉर्मल सा। मैं वीडियोस नहीं बड़ी करूँगी, पक्का प्रॉमिस, मैं बिल्कुल नहीं बड़ी करूँगी। ये मेरा लोन का अमाउंट है, ठीक है। ये मेरे को कितने पे दे रहा है, ये दे रहा है, मैं इसको 3 रुपये मेरे से इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब 13 रुपये हो गए, 10 रुपये प्लस 3 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जब ये देगा, जब ये इंटरेस्ट देगा, किसी कस्टमर के पैसे इसके पास पड़े हैं, ये इंटरेस्ट देगा, मतलब लोन पे इंटरेस्ट लेगा और लोन पे इंटरेस्ट देगा, तो ये देगा 2 रुपये या 1 रुपये मान लो, तो ये 2 रुपये का जो डिफरेंस है, यही तो इसका पैसे से पैसा है, मनी क्रिएशन है। ये भी आपका क्वेश्चन है आई थिंक, मैंने देखा था, ये मनी क्रिएशन, पैसे से पैसा बनाना। बैंक के पास कोई कमाई थोड़ी आ रही है, RBI होल सोल है, कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो इसमें बैंकों वाला वर्ड आएगा एक आपका, ठीक है। द सिस्टम ऑफ अ बैंकिंग इज़ वेरी ओल्ड एंड द सेम वॉज प्रिविलेंट इन ग्रीस, इंडिया एंड रोम। कहाँ कहाँ पे ये ऐसा सिस्टम, ग्रीस में है, इंडिया में एंड रोम में, ठीक है। अपना फंक्शंस पे आते हैं, और टर्म बैंक, बैंक की आप टर्म देख लेना, कौन सी लर्न करोगे, बहुत सारी टर्म्स हैं, मैंने आपको वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर रखी है। ये 2 टर्म्स लर्न करनी है या आपको कुछ और लर्न करना है, ये आपके ऊपर है। फंक्शंस तो हमारे सेम रहेंगे, डेफिनेशन हमारी अलग हो सकती है, ठीक है। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन अंडरलाइन करते जाना, हम पढ़ रहे हैं हमारा प्राइमरी फंक्शन। साथ साथ अपना कुछ भी रख लो, हाईलाइटर रख लो, पेंसिल रख लो, कुछ भी रख लो, बट नोट करना है आपको। थोड़ा बहुत करोगे मेरे साथ, पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ लोगे ना ये सारे क्वेश्चंस, 2 दिन पहले तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्या है प्राइमरी फंक्शंस, पहला क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, हमारी 10,000। इसमें भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो बिजनेसमैन खुलाते हैं, ठीक है। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट, फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन। करंट अकाउंट डिपॉजिट, सच डिपॉजिट आर पेबल ऑन डिमांड एज देयर फॉर कॉल डिमांड डिपॉजिट, दीज कैन बी विदड्रॉ मेनी टाइम्स। अब मेरी बात सुनो, आज मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा रिलायंस ग्रुप का मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मान लो इतना बड़ा रिलायंस ग्रुप का बिजनेस है, इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट है, आज इधर से 10,000 आए, इधर से 20,000 आए, इधर से 30,000 आए, इधर से 1,00,000 रुपये आ रहे हैं, तो क्या आप इन सबको अपने पास रखोगे? नहीं, आप बैंक में हर 2 मिनट में, आपके पास इतने सारे ब्रोकर्स होते हैं कि आप हर 2-2 मिनट में बैंक में इनको डिपॉजिट कराते जाओगे, वो आपका क्या होगा, करंट अकाउंट, जो आपको कभी भी मना नहीं करेगा पैसे जमा करवाने के लिए, चाहे आप 1 मिनट बाद भी चले जाओ, चाहे 2 मिनट बाद भी चले जाओ, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें हमारे पास वो नहीं होता, क्या, इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे को आज मेरे टोटल अमाउंट हो गया एक दिन में 15,00,000 रुपए, चलो मेरे पास कोई पार्टी आ गई, मेरे को उसको पेमेंट करना है 8,00,000 रुपए का, ठीक है। मैंने ये जमा करवाए थे शाम को मेरे 2:30 तक, मेरे 15,00,000 हो गए थे, चलो मेरा हो गया था 2-3 दिन का, मेरा जितना भी अमाउंट था सारा करंट अकाउंट में था। मेरे पास 3 बजे एक पार्टी आती है, मैम
8 लाख रुपीस का मेरा चेक है, मेरे को पेमेंट करनी है, तो मैं उसको चेक फाड़ के दूंगी और मेरा बैंक से वो हो जाएगा विड्रॉ, ठीक है, या मैं बैंक जाके उसको कैश दे दूंगी, चेक नहीं दूंगी। तो बैंक हमें कभी भी मना नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। तो वो हमारा होता है करंट अकाउंट, इसमें कभी भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट नहीं होता। अब इसको मगअप करने की ज़रूरत है ही नहीं, बैंक अकाउंट।